जब तरस रहे हो ठेले वाली चाट, तो झट से बनाओ ये चटकारेदार चना चाट। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुंबई की बहुत बहुत ही फेमस जबरदस्त टेस्टी चटपटी चना चाट। बिल्कुल जैसे ठेले पर मुंबई में मिलती है ना जबरदस्त चटपटी मसालेदार चना चाट, आज बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। सारी टिप्स और आपको सीक्रेट बताऊंगी। मिनटों में आप इस चना चाट को तैयार कर लेंगे, इस चना चाट को जो मैंने ट्विस्ट दिया है। फिर आप चाहे इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं, शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, मेहमान आने पर बनाएं, और जब दिल चाहे बढ़िया सी चाट फट से बनाकर खाने का, तो ये बहुत ही बेहतरीन चाट है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल को गुड परल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चटकारेदार चटपटी चना चटपटी चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप काला चना। काले चने को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और आप देख सकते हैं कि चना बिल्कुल बढ़िया से फूल करके तैयार है। चाहे तो आप लगभग 7 से 8 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला जो काला चना होता है ना, यही वाला मैंने 2 कप काला चना भिगो दिया था। तो यहाँ पर चने हमारे बढ़िया से फूल गए हैं, सारा पानी इसका निकाल देंगे। और अब एक कुकर में हम सारा भीगा हुआ चना डाल देंगे, साथ ही में डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक और पानी, बस इतना भर के चना बिल्कुल बढ़िया से भीग जाए। बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लगभग 2 गिलास के करीब पानी डाला है। अब इसमें लगाएंगे लिड, और लिड लगाकर मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 इसमें विसिल लेंगे। 3 से 4 विसिल आ गई थी, मैंने कुकर को बंद कर दिया था, और पूरी तरह आप देख सकते हैं प्रेशर निकल गया है। इस स्टेज पर हम लिड को हटाएंगे, और ये देखिए चना बिल्कुल बढ़िया से बॉईल हो गया है। एक चना आप उठाकर देखिए और उंगली से दबाइए, ये देखिए परफेक्ट। तो बस अब कुछ नहीं करना है, जो भी थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो छान करके निकाल देंगे। तो चलिए फटाफट बनाते हैं मुंबई स्टाइल चना चटपटी यानी चना मसाला चाट। तो उसके लिए आप गैस पर एक पैन या कोई कढ़ाई चढ़ाएं और फ्लेम को रखेंगे मीडियम, या हम डालेंगे सिर्फ 1 छोटी चम्मच ऑयल। तेल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा बिल्कुल बढ़िया से तड़का लेंगे। अब नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, चाहे तो ग्रेट करके डाल दीजिए। मस्त लगता है, मतलब काला चना अगर बना रहे हैं और अदरक बढ़िया से नहीं डाला तो उसका स्वाद ही नहीं निकलता है। अदरक और हरी मिर्च बिल्कुल बढ़िया से डालें, चटपटी सी चाट बनाएंगे। लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे कि कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, इस तरह से चॉप की हुई, बहुत ही मस्त लगती है। ये जो ट्विस्ट इसमें मैं दे रही हूँ, इससे आपको आएगा 2-in-1 स्वाद, यानी इसको आप चाट की तरह भी खा सकते हैं और फिर चाहे पराठे रोटी या पूड़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। प्याज को भी बिल्कुल बढ़िया हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे, बस 2 मिनट। तो जब तक हमारी प्याज भुन रही है, करते हैं एक छोटा सा स्टेप। अब आप एक कटोरी लीजिए, इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी। साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ, क्योंकि बना रहे हैं हम चटकारेदार चाट, काला नमक, जो कि चाट में देता है माइंड ब्लोइंग फ्लेवर। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 छोटी चम्मच काला नमक। अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करेंगे और अब यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच पानी और इसका पेस्ट सा बना लेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप मसाले तेल में डालेंगे तो वो बिल्कुल जल्दी जलेंगे भी नहीं और उनका फ्लेवर पूरा उभर कर आएगा। तो चलिए पेस्ट हो गया तैयार। प्याज देखिए यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया ट्रांसलूसेंट सी हो गई है, हल्की गुलाबी दिख रही है। तो बस इस स्टेज पर हम डाल देंगे हमारा स्पाइस मिक्स वाला पेस्ट और लगातार चलाएंगे बढ़िया से। मसालों को भी लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। कोई भी बना सकता है, जैसे अभी अच्छा मौसम है और चाट खाने का मन कर रहा है तो आप ये चाट तो बिल्कुल बिना गिल्ट के खा सकते हैं, क्योंकि इसमें तेल वेल तो ज्यादा है नहीं और साथ ही हेल्दी भी है। और लीजिए मसालों ने भी तेल छोड़ दिया है, एकदम बढ़िया दिख रहे हैं और खुशबू अच्छी आ रही है। तो इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे हमारे तैयार उबला हुआ काला चना, 2 मिनट बढ़िया से पका लेंगे। अब भाई चाट बना रहे हैं और चाट तो आलू के बगैर बिल्कुल अधूरी है। पर्सनली मुझे तो चाट में आलू बहुत ही पसंद है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 उबला हुआ आलू जिसको मैंने डाइस्ड में इस तरह कट कर लिया है, बहुत ही बढ़िया लगता है, ऑप्शनल है, आप नहीं लाइक करें तो ना डालें। तो आलू को भी यहीं डाल देंगे और बस 2 मिनट बढ़िया से और भून लेंगे, जिससे कि जो मसालों का फ्लेवर है वो आलू में भी कोट हो जाए। और बस इस स्टेज में 2 मिनट बाद गैस को हम बिल्कुल बंद कर देंगे और बंद गैस में सबसे पहले इसमें जाएगी 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आपके स्वाद के अनुसार, मस्त लगेंगी, चटपटी सी बना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, चाट है तो चाट में इस तरह से प्याज डालेंगे तो बहुत ही मस्त लगेगी। बारीक कटा हुआ टमाटर, ये जो चना चटपटी चाट जैसे मुंबई में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ।
प्याज इसमें मैंने पहले इसलिए भी डाली है जिससे कि आप इसको टू इन वन तरह से यूज कर सके। अगर आपको पूरी पराठा या रोटी के साथ खाना है तो वैसे भी आप इसे खा पाए और इस तरह से चाट की तरह खा लें, तो है ना मस्त वाली रेसिपी। बारीक कटा हुआ खीरा बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खीरा नहीं लाइक करें तो ना डालें। वैसे बहुत ही बढ़िया लगता है चना चाट में, इस तरह छोटा छोटा आप काट कर डाल कर देखिएगा। और गया बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ऊपर से डाल देंगे नींबू का रस, थोड़ा सा ऊपर से गया चाट मसाला। नमक मैंने दोबारा नहीं डाला है क्योंकि हम पहले ही नमक डाल चुके थे, बाद में हमने काला नमक भी डाला और चाट मसाले में भी नमक होता है, तो आप ये थोड़ा सा टेस्ट करके उसी अनुसार नमक डालें। और बस करेंगे इस तरह से मिक्स, गैस बिल्कुल बंद है। ये देखिए मस्त वाली हमारी चटपटी चना चाट है बिल्कुल तैयार, हेल्दी भी, टेस्टी भी, चटकारेदार भी। चलिए फटाफट करते हैं मार्केट स्टाइल सर्व। और ये लीजिए हमारी मुंबई फेमस चना चटपटी मसाला चाट है बिल्कुल तैयार। खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, बार बार बनाना चाहेंगे। बनाना आपने देखा एकदम आसान। अब चाहे सुबह के नाश्ते में बनाइए, लंच में भी बना सकते हैं, या फिर शाम की चाय को एंजॉय कीजिए। और इसको यहाँ मैंने सर्व कर दिया है इस तरह से नींबू की स्लाइस के साथ और हरी मिर्च के साथ। और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी ये बारीक वाली जो सेब होती है ना, जो हम लोग भेलपुरी में डालते हैं जीरो साइज सेब, बस ये नमकीन सेब थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ, इससे इसकी लुकिंग और भी इनहेंस हो जाएगी, खाने में भी बढ़िया लगेगी। और जैसे मैंने इसको बनाया है आपको बिल्कुल लगेगा आप मुंबई में वो जो ठेले से लेकर चना चटपटी खाते हैं वो खा रहे हैं। जरूर बनाइए इस हेल्दी चटकारेदार चाट को, आपको बहुत पसंद आएगी। बनाना आपने देखा कितना आसान। चलिए तो हमारी मुंबई की फेमस चटपटी चना चाट तो हो गई है रेडी, लेकिन साथ में एक चीज और बनाएंगे ना तो मतलब मजा आ जाएगा, सभी तारीफ करेंगे, और वो है मसाला पापड़ एकदम होटल स्टाइल। झट से देखते हैं। होटल रेस्टोरेंट जैसा मसाला पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं सिंपल पापड़। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक तवा और तवे को मीडियम फ्लेम पर हल्का गर्म करके इस तरह से पापड़ को रोस्ट करेंगे। चाहे तो इस तरह दबाकर आप पापड़ को रोस्ट कर लीजिए, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये लीजिए तो पापड़ को इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले पापड़ पर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इस तरह इससे ज्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। थोड़ा सा डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर और अब इसके ऊपर डालेंगे हमारा तैयार प्याज टमाटर हरा धनिया हरी मिर्च वाला मिक्स, थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। और साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर, जैसे होटल्स में सजाकर दिया जाता है पापड़ को। थोड़ी सी ऊपर से डाल रही हूँ ये बारीक वाली सेब जो भेलपुरी वगैरह में डालते हैं ना, बस इस तरह से मजा आ जाएगा खा करके। थोड़ा सा गया बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फटाफट से करेंगे सर्व। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा होटल रेस्टोरेंट जैसा बहुत ही मजेदार चटपटा मसाला पापड़। तो देखा आपने कि मुंबई वाली चटपटी चना चाट और साथ ही ये मसाला पापड़ बनाना कितना आसान है। जरूर से दोनों चीज ट्राई कीजिए और सर्व कीजिए अपने मेहमानों को, मेहमान भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।